सो हाय, दिस इज वास्तु गुप्ता। आज हमारे चैनल पे हैं आर्ट, सोशल और साइंस के स्टूडेंट। सो ये बनारस यूनिवर्सिटी का पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे, उनको कैसा लगा यहाँ के, कैसा उनके टीचिंग एक्सपीरियंस रहा और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो सिट डाउन विद अस और आगे देखते हैं। स्टूडेंट है ये लोग और साथ में आप देख सकते हैं ये विवेक है, ये सिलेक्टेड SSC में सेलेक्ट हो गया, UPSSC में। और ये हमारे पास साइंस के लोग हैं कुछ। तो पहले हम इंट्रोडक्शन साइंस वालों से लेते हैं। तो तुम लोगों का कैसा रहा 2 साल, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कैसा लगा तुम लोगों को? कैसा रहा गया, पूरा जल्दी जल्दी खत्म हो गया, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। वैसे तो थोड़ा अपने बारे में बता दो, कौन हो तुम वैसे, क्या? मेरा नाम अभिनव पांडे। अभिनव पांडे, और तुम? मेरा नाम आशीष है, मैं यहाँ पे आया हूँ BSc करने के लिए। तुम्हारा नाम आशीष है? द निक नेम हैज बीन गॉटन टू यू? हाँ, वो क्या क्या किसे? अच्छा, तो किसने किया ये लॉरेंस नाम का नामकरण, किसने किया तुम्हारे लिए? ये मेरा फैमिली का। अच्छा अच्छा, एट इज अ फैमिली नेम। सो तुम लोगों के 3 साल कैसे रहे, मतलब तुम कुछ बताना चाहोगे? जल्दी जल्दी बीत गया और क्या? और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या किए तुम लोग 3 साल? लास्ट ईयर आए थे स्पोर्ट्स में, उसके बाद कुछ इवेंट्स में, लेकिन जैसे कंसर्ट जैसा था। चलिए अब हम सोशल साइंस के स्टूडेंट को चलते हैं। तो ये मिस्टर विवेक हैं, जो कि आज UPSSC में SSC में सिलेक्टेड हैं। और मतलब इनसे हम पूछेंगे कि मतलब आप सोशल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था और उसके साथ आपने तैयारी कैसे की, ये सब आप मैनेज कैसे करते हैं? तैयारी का क्या है, जब मैं यहाँ आया था तो उसके पहले फॉर्म भर चुका था और पढ़ने के लिए कुछ लिमिटेड सिलेबस था, उसी के अंदर पढ़ के वो एग्ज़ाम जो था वो निकल गया। और बाद में फिर यहाँ जब ग्रेजुएशन किया तो लगभग हमको 2.5 साल मिला, क्योंकि एक सेमेस्टर तो ऐसे ही बीत गया अपना कोविड में। यहाँ आने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, जैसे यहाँ आने से पहले मैं बहुत अंतर्मुखी स्वभाव था, इंट्रोवर्ट था, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे, किसी से बात नहीं करता था। यहाँ आने के बाद बहुत सारे नए दोस्त मिले, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू किया यहाँ पे आके, नॉवेल और बहुत सारे दर्शन वगैरह की किताबें हैं और बहुत सारे घूमकर। लाइब्रेरी का उपयोग आपने कैसे किया? जैसे यहाँ पे बताते हैं कि BHU में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो कि साइबर भी है, सेंट्रल भी है, क्या आप लाइब्रेरी गए कभी? मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो जब शुरू में आया था तो 4 महीने कंटिन्यू लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए, लेकिन जब हॉस्टल में कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो वहाँ पर उनकी एक लाइब्रेरी होती है, मतलब हर हॉस्टल में लगभग होती ही है, तो हॉस्टल की लाइब्रेरी में कभी। जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो क्या कुछ आपको रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ सामना करना पड़ा? रैगिंग वगैरह नहीं थे, हमारे जो सीनियर भैया थे हॉस्टल में बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि उनसे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी जो 15 दिन बाद चले गए, अभी वो तो अच्छा रहा। और जो कि अभी जूनियर्स हैं आपके, उनके साथ आपका कैसा, मतलब क्या आपका इनरोलमेंट है उन लोगों के साथ, मतलब आप कैसे? मित्रवत व्यवहार है, बहुत अच्छे लोग हैं वो भी, और हम भी, कभी रैगिंग वगैरह होती नहीं है और बहुत प्रेम से रहते हैं। तो ये है शिवम और मिस्टर आप कौन है? जय। स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने चश्मा भी लगा लिया है तो आप देख सकते हैं मुस्कान कितनी है चेहरे पे और ये क्लास आप देख सकते हैं। तो शिवम बताओ कैसा लग रहा है तुमको? स्टार्टिंग में थोड़ा सा सबको बुरा लगता है क्योंकि BA और पहले आया UG करने, पहली बार फैमिली से दूर, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा सैड था और टाइम के साथ ठीक होने लगा। तो यहाँ पे आपको बनारस यूनिवर्सिटी का टैग लेने आए थे आप साथ में, ये टैग मिल जाए BHU का, तो अच्छा लगा आपका? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या आपका इन्वॉल्वमेंट रहा? मेरा कोई इतना इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं क्योंकि हम लोग का सेशन बहुत जल्दी है और ऐसा मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं लिया मैंने। आपने क्या किया यहाँ बनारस? घूमा? हाँ, बनारस घूमा और स्विमिंग वगैरह गए आप? यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है बहुत अच्छा। मैंने स्टार्टिंग में गया था एक दिन लेकिन फिर बाद में मैनेज नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और प्ले ग्राउंड वगैरह आप जाते रहते हैं? प्ले ग्राउंड में रोज जाता हूँ लगभग शाम को 6 बजे, एम्पी थिएटर, तो वहाँ का माहौल अलग ही रहता है। वो यूज ग्राउंड ही है बहुत सारा, और बहुत सारे ग्राउंड है ना यहाँ पे। तो हम इनके पास आएंगे तो कैसा लग रहा है तुमको? भाई मस्त लग रहा है, बहुत मुस्कुरा रहे हो, मतलब क्या है, ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस है यहाँ के? हम आदमी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा, ये बात है, आदमी अच्छे हैं। और बताइए अपना मूल्यांकन खुद से ही कोई करे नहीं करे यार, अपना वैल्यू पता होना। हाँ, अपना वैल्यू पता होना। चलो तो 3 साल में तुमको कैसा लगा यहाँ पे? मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत अच्छा है, लिटरली महावाला जी जो बना के गए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लैक कर रहा है अपने, जितना कहते हैं मैनेजमेंट लैकिंग है, वो
सब है, बाकी लाइब्रेरी अच्छी है, यहाँ की क्लासरूम्स अच्छे हैं, स्विमिंग पूल, जिम खाना, एम्पी थिएटर ग्राउंड, लाइब्रेरी, ये सब यहाँ पे बेस्ट है। तो आर्ट्स में हॉस्टल मतलब कितना हॉस्टल है लगभग जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आएगा तो मतलब क्या उनको चूज करना चाहिए? अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोशल में मिल रहा है, आर्ट्स में मिल रहा है, तो क्या आप प्रेफर करना चाहेंगे? क्योंकि सोशल का मेरिट हाई जाता है, हॉस्टल भी रैंक कम आएगा, और फिर यहाँ पे आर्ट्स में हॉस्टल मिल सकता है अगर वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अच्छा आर्ट्स में मिल रहा है तो। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उसको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? नहीं, मेरा था शुरू से कि हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चलिए। तो आप बहुत इन्जॉय किए हैं बाहर, सो अब हम राघव गुप्ता के पास आएंगे। तो ये राघव जी हैं, ये SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी स्टडीज़ को और तैयारी को? स्टडीज़ यदि आप BHU में स्टडी करते हैं, UG करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरा टाइम अकेडमिक में जाएगा और आप बहुत ही कम टाइम अपनी तैयारी। और अब तो आपको 70% अटेंडेंस भी देना ही पड़ रहा है यहाँ पे, स्पेशल क्लास भी ले रहे हैं ना आप, इसलिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आप जूनियर्स वगैरह आएंगे तो मतलब उन्हें आना चाहिए यहाँ या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपने ली है? फैसिलिटी जो BHU का है बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ तक, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है और साइबर लाइब्रेरी सयाजी राय गायकवाड़, वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है कि वो वहाँ पर अपनी तैयारी को कैसे एक इस्टेब्लिश कर पाए अपनी तैयारी को अच्छे से। यहाँ पे एक टेंपल भी है जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, मतलब कैंपस के अंदर, ऐसा शायद और कहीं नहीं है, तो आप जाते हैं वहाँ पे? बिल्कुल जाते हैं, और यह मुझे मेरी आध्यात्मिक चेतना को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ जोड़ने का बहुत ही अच्छा कार्य करता है। राहुल जी और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस और आपके साथ बढ़िया सफर कटा BHU का। और तो हम आगे चलते हैं फिर से सोशल साइंस वालों का। ये है ये हमारे लॉरेंस भाई हैं और इनको इनका नाम आशीष जी है, बहुत प्यारे हैं। और इनके बारे में मैं दो ही शब्द बोलना चाहूँगा कि इनका स्वभाव बहुत सौम्य है और भाषा बहुत मृदु है, सौम्य स्वभाव और मृदु भाषी है, बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं ये। और हैं तो वैसे हमारी फैकल्टी अलग अलग है, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होता है। BHU में आके यदि आप ज़्यादा एकेडमीज में, वैसे तो एकेडमीज बहुत प्रेशराइज करती है, लेकिन आप अगर मौका हो तो यहाँ पे अच्छे दोस्त बनाइए, आपको मौके मिलते हैं, आप ट्रिप्स जाइए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट ट्रिप्स ले जाए, अगर पॉसिबल है तो आप दोस्तों के साथ। हाँ, जैसे ज्योग्राफी में तो हमारा ट्रिप भी आता है 10-15 दिन के, जैसे हमने देहरादून गए, मसूरी गए, तो ये बहुत अच्छा रहा ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट है शायद हमारे लिए। वैसे तुम्हारा कोर्स क्या था साइंस में? जैसे मेरा जो कॉम्बिनेशन था, मैं मैथ्स टीचर था और उस समय मेरा PMGR था, तो उसमें वही फिजिक्स था, मैथ्स और ज्योग्राफी। सेकेंड ईयर तक मेरी सारी तीनों पेपर्स मुझे साथ में पढ़ने पड़े और आखिरी शाम में ज्योग्राफी होती थी। हॉस्टल कितना मिलता है साइंस में वैसे लगभग? जो हॉस्टल जो है साइंस बच्चों के थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि आपका रैंक क्या है। आपका जैसे रैंक होता है और आपका जो डिस्टेंस है घर के यहाँ से, जैसे कि आप दोनों ही लोग हॉस्टल में रहते हैं, आप सोशल साइंस के हॉस्टल में रहते हैं विवेक जी, और आप लॉरेंस जी आप साइंस में रहते हैं, तो आपके हॉस्टल में क्या मतलब आपको डिफरेंसेस है कुछ हॉस्टल में? फूड फैसिलिटी क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है हॉस्टल की, ये सब चीज़ें क्या है हॉस्टल में? जैसे सोशल साइंस के हॉस्टल में आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ खेलने के लिए सारा कुछ है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट वगैरह भी हम खेल लेते हैं हॉस्टल के अंदर ही। और खाने के लिए खाना ठीक ही है एक तरह से, क्योंकि मेस वगैरह का खाना हर जगह का थोड़ा वही रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, पर आप सर्वाइव कर सकते हैं इतना अच्छा खाना रहता है। इसके आपके इसके पास आपके अल्टरनेटिव्स भी, जैसे हर चौराहे पे आपको फ्रूट सैंडविच वगैरह मिल सकते हैं, सारे आइसक्रीम शॉप्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद भी आपको लगता है कि कैंटीन या फिर किसी से फूड लेना था तो अब ये बताओ, यहाँ के टीचर्स का बताओ, यहाँ के इन्वायरमेंट को बताओ, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताओ, एक मतलब एक एक सिंगल लाइन में बताना है कि यहाँ की स्टडी क्या है, टीचर कैसे हैं, सपोर्टिव हैं, HOD सपोर्टिव हैं, या फैकल्टी आपकी सपोर्टिव है कि नहीं? टीचर्स का या मतलब प्रोफेसर्स का बात करें तो हर प्रोफेसर्स का पर्सपेक्टिव सेम नहीं है, जैसे कोई ज़्यादा स्टूडियस है, ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो कोई अच्छे इंटरेक्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ, तो ये डिपेंड करता है कि प्रोफेसर कौन है और कौन से डिपार्टमेंट का है। और इसके बाद जैसे आप वैसे आप इतने दिन से हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा है साइंस में, आपको क्या कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगा है? यदि आप मतलब थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़ना चाहते हैं, मुझे ज्योग्राफी मुझे पसंद आया, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेगा, मेहनत कीजिए, सबका आपको किसी को एडिट किया जाए।
और फिर बाकी डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी क्या है कि थोड़ा स्टूडियस नेचर है, एकेडमिक्स पे थोड़ा प्रेशर है, तो उनके लिए इस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, अच्छे पढ़ना पड़ेगा तब जाकर पंचम मास और डाउट क्लियर होंगे। तुम क्या कहना चाहोगे अपने प्रोफेसर्स के बारे में, अपने मतलब कोर कॉम्बिनेशन क्या था ये सब चीज़ें? वैसे प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में अभी जो प्रोफेसर्स हैं वो लगभग आधे 34-35 प्रोफेसर हैं, उनमें से मात्र 17-18 ही, तो थोड़ा क्या बोलते हैं जो प्रोफेसर हैं उनकी कमी है, तो बल्कि जो प्रोफेसर हैं बाकी जो प्रोफेसर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाते भी हैं, क्लास भी लेते हैं, और अभी तो अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी चल रही है, हाँ। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। 70% अटेंडेंस भी मस्त है, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, एग्ज़ाम भी एक महीने बाद। खैर ये अपने लिए पनिशमेंट नहीं है, बल्कि अपना सौभाग्य है जो एक महीना और क्लास कर रहे हैं, साथ में बिता रहे हैं, अच्छे से पढ़ के यहाँ से जाएंगे। तो आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है आप लोगों का? वैसे ये आप बताइए लोगों। जैसे मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैं एकेडमी को आगे कंटिन्यू करूँ। अच्छा, परस्यू करना चाहते हैं आप? और तुम क्या कर? मेरी वैसे जॉब लग गई है, हाँ। तो अभी 2-3 साल जॉब करूँगा, उसके बाद बहुत संभावना की जॉब रिजाइन कर दूँगा, और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, घूमने का शौक है, तो बस वही आगे कंटिन्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था, ये UP SSSC के द्वारा एक सी ग्रेड ऑफिसर बन चुके हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा तो यहाँ पे ये साइंस फैकल्टी की क्लास है। बाकी सौरभ है, सौरभ तुम कुछ कहना चाहोगे एट द एंड लास्ट मोमेंट में? नहीं, मैं भी सोशल साइंस से यहाँ एडमिशन लिया था, मेरा आने का कोई यहाँ इंस्टेंट कोई मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि BHU जाना है, वहाँ कुछ करना है। हम BSc मैथ से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा था, फिर वहाँ से मैंने देखा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ सब चीटिंग करके पास हो रहा है, पढ़ने और ना पढ़ने से मैं नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि आगे क्या करना है। तो एक भैया थे जो यहाँ से पहले से क्लास कर रहे थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ एडमिशन ले लीजिए, तो बस एग्ज़ाम देने गए थे, हो गया, बस आ गए। और पहले मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था, उसके चलते मतलब हिस्ट्री में ऐसा मुझे वो नहीं लग रहा था कि इसमें बहुत कुछ करना है, हमेशा पढ़ के जाओ, रटो, फिर वो पेपर में लिख दो। पर ज्योग्राफी में मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ करने को है, कुछ इसमें अपना दिमाग लगा सकता है, इसमें कुछ करने का था, उसी के चलते ज्योग्राफी में मैंने थर्ड ईयर में चेंज करवाया और अभी वही चल रहा है। और जो डिसिप्लिन थे आपके, कोर डिसिप्लिन क्या थे और आपके सब्जेक्ट क्या थे फर्स्ट ईयर? वहाँ था कि पंचुअलिटी नहीं रहते, ये रखते थे, और फिर जब मैंने अपना स्कूलिंग किया 10th-12th था, तो वहाँ उतना डिसिप्लिन भी नहीं था, पर यहाँ कुछ कुछ ऐसा नहीं बोले कि पूरी तरह सुधर गया, पर कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ अपने आप को नहीं नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मतलब और सब्जेक्ट क्या थे फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स थे, हिस्ट्री था, और तो हिस्ट्री के प्रोफेसर कैसे थे? वो कुछ कुछ प्रोफेसर को लिया जाए तब तो वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब पढ़ाने के प्रति अपना उत्सुकता दिखाते थे, पर कुछ कुछ जो थे उनको हमेशा बोलना पड़ता था क्या पढ़ाइए तब जाकर उनको ये पता चलता था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बस HT में ऐसे सारा डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, तो बच्चे के प्रति उतना लॉयल नहीं रहते हैं, बस बच्चे को कैसे मतलब कुछ कुछ टीचर तो है कि बच्चा अब ये स्टूडेंट के बारे में समझता है, पर कुछ कुछ जो है एकदम इग्नोर ही मार देता है। इकोनॉमिक्स में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इकोनॉमिक्स में ये बोलेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोग ऑनलाइन हुआ था उसका मतलब डिमेरिट्स देखने को मिला आगे 2 साल में, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन नहीं होता तो उसके चलते प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में अच्छे अच्छे बच्चे को पढ़ाना चाहता है और बच्चा समझना चाहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स में आगे जा सकता है। सो ये थे हमारे साथ सौरभ जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ बात करके, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कमेंट है तो आप कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे टर्न विद अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।